चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नॉर्दर्न लाइट्स। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, ऑरोरा किस कारण होता है। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा सीटों के परिसीमन से संबंधित है। विकल्प ए अनुच्छेद 71, विकल्प बी अनुच्छेद 81, विकल्प सी अनुच्छेद 85, विकल्प डी अनुच्छेद 90। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुने। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया है। यह इमारत 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बनने में करीब 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसद की नई इमारत से जुड़ी परियोजना का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के बीच के 3 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने इसके रीडेवलपमेंट की योजना बनाई। इस इलाके में नए संसद भवन समेत 10 नई इमारतें बनाने की योजना है। राष्ट्रपति भवन और मौजूदा संसद भवन पहले की ही तरह रहेगा। इसी रीडेवलपमेंट के मास्टर प्लान को ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। इसकी आवश्यकता क्यों है? 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन होना है। इसके बाद संसद में सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब देश की आबादी 36 करोड़ और 489 लोकसभा सीटें थी। एक सांसद औसतन 7 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करता था। वर्तमान में देश की आबादी 138 करोड़ से ज्यादा है। एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। संविधान के अनुच्छेद 81 में हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन मौजूदा आबादी के हिसाब से करने का नियम था, लेकिन 1971 के बाद से ये नहीं हुआ। अनुच्छेद 81 के अनुसार देश में 550 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं हो सकती हैं। इनमें 530 राज्यों में जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों में होंगी। फिलहाल देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 530 राज्यों में और 13 केंद्र शासित प्रदेशों में है। इसके विरोध के क्या कारण है? इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का कहना है कि प्राधिकारियों की तरफ से नियमों की अनदेखी करके प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी भी शामिल है। इस पूरे निर्माण के दौरान कम से कम 1000 पेड़ काटे जाएंगे। इसके कारण पहले से ही प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में हालात और खराब हो जाएंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले इसका पर्यावरण ऑडिट नहीं कराया गया है। इसका विरोध कर रहे इतिहासकारों का कहना है कि प्रोजेक्ट का कोई ऐतिहासिक या हेरिटेज ऑडिट भी नहीं हुआ है। इसे बनाने के लिए नेशनल म्यूजियम जैसी ग्रेड 1 हेरिटेज साइट में भी तोड़फोड़ होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है? इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लगभग 7 याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रोजेक्ट के मंजूरी के तरीकों पर नाराजगी जताई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि आप शिलान्यास कर सकते हैं, आप कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटना नहीं होगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प डी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।